हेलो दोस्तों, तो हमने लास्ट वीडियो में जो अपना सेकंड पार्ट था, ये भी थर्ड पार्ट है, हमने लास्ट में कवर किया था कि आपको काफ़ी सारी चीज़ बताई थी हमने एडस्टेरा और पॉप एड्स के बारे में। बट अब हम इस चीज़ को क्लेरिफाई कर देते हैं यहाँ पे आपको दिखा के कुछ चीज़ को। सबसे पहले हम अपने रजिस्ट्रेशन में अगर जाते हैं तो आपको पब्लिशर अकाउंट में जाना है, क्योंकि आपको पब्लिशर बनना है। पब्लिशर का मतलब होता है आपको एड्स लगाने हैं, तो मतलब ये है कि उसकी एवज में आपको अर्निंग दी जाएगी जब आपके विजिटर्स आपके पेज या वेबसाइट पे आएंगे और उसको देखेंगे, तो इस चीज़ पे आपको अर्निंग मिलती है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको सबसे पहले कि ये देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ खास अर्निंग नहीं मिली। एक्चुअली जो अर्निंग जुड़ के यहाँ पे मेन बैलेंस में आती है वो अर्नड, आप देख पा रहे हैं, वो अर्नड पेड एडजस्टमेंट रेफरल और तीन चीज़ को मिला के यहाँ पे अपना मेन बैलेंस बनता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखने आ रही है, ये काफ़ी सारी वेबसाइट है मेरी, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब मैं जाता हूँ पॉप एड्स में। पॉप एड्स में भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको पब्लिशर में क्लिक करना है। पब्लिशर में क्योंकि आपको एडवर्टाइजर में नहीं करना है, क्योंकि आप एड्स देना नहीं चाहते हो, एड्स को दिखाना चाहते हो, क्योंकि आप इनके एड्स को लेकर आप मार्केट पे दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे पब्लिशर में हमने क्लिक किया। पब्लिशर जब ऐसे ही ओपन किया तो ओपन योर डैशबोर्ड में क्लिक किया। मेरा यहाँ पे अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है, मैंने साइन इन किया। जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्रंट व्यू देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.04 है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 0.04, और वहीं अगर एड्स तेरा में देखेंगे तो 0.06। तो ये देखिए, दोनों अपने जगह प्लेटफॉर्म है और दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट पॉप एड्स को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि इसका इंटरफेस अच्छा है, बेहतरीन है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें अगर कोई भी कंटेंट अगर आपका चल रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ अपीयर होता है। उसमें क्या है कि जब जो चीज़ अपीयर होता है वो बहुत अच्छी चीज़ ये देखने मिलती है कि दोनों में पॉप अप जो एक तरह से ऐड मिलता है वो बेस्ट होता है। हमेशा आप कोशिश करिए कि पॉप अप एड्स लगाइए, ताकि कोई भी विजिट करता है तो जैसे ही आपके स्क्रीन को टच करता है तो वैसे ही उसमें एड्स आ जाएगा, एक नया उसमें टैब खुल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी लगी। आप देख सकते हैं कि अगर इस डिस्क्रिप्शन जो अब आप वीडियो देख रहे हैं, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक भी अवेलेबल है, तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा उसमें कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें एड्स आ जाते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे इसमें वेबसाइट्स को मतलब पेजेस को ऐड करते हैं, तो वो चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसको देखना है कि मैं इसको किस तरह से क्लियर आउट करता हूँ, तो किस तरह से मतलब ऐड को मतलब ज्वाइन करता हूँ, तो उसको आप कंप्लीट देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फॉर द एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो मैंने यहाँ पे अपना फ्री ब्लॉग उठाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लॉगर उठाया, लिखा यहाँ पे ब्लॉग, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए ये ब्लॉगर ओपन हुआ, मैंने लिखा, और ये मान लीजिए ये मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है। ब्लॉग बनाना कैसे, बहुत ही ईजिली है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए न्यू ब्लॉग करके ऑप्शन है, तो न्यू ब्लॉग में क्लिक करना है। न्यू ब्लॉग में क्लिक करने के बाद आपको टाइटल देना है कि आप किस लिए कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे किस लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपने एड्स को लगा सकता हूँ, तो हाउ टू पुट एड्स ऑन पॉप अप ऑन योर ब्लॉग पेज थ्रू पॉप अप एड्स प्लेटफॉर्म थ्रू पॉप अप प्लेटफॉर्म। ओके, तो आप लोग ने यहां पे लिखा हाउ टू पुट एड्स ऑन ब्लॉग पेज थ्रू पॉप अप प्लेटफॉर्म। तो जो पॉप अप एड्स जो है पूरा लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि पॉप अप एड्स ADS, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स। अब उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस चूज करना पड़ेगा, इसी एड्रेस से आपका ये जो ब्लॉग पेज है वो एक्सेस किया जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि पॉप अप एड्स, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉप अप एड्स Ctrl+V, आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉप अप एड्स और .blogspot.com, ये आपको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी नाम ले सकते हैं पॉप अप एड्स की जगह, बट blogspot.com लिखना ज़रूरी है, बट ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें कुछ और करते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुट एड्स ऑन पुट एड्स ऑन
ब्लॉग डॉट स्पॉट डॉट कॉम। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया है पुट एड्स ऑन ब्लॉग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ अब इसी नाम से एक्सेस होगी। उसके बाद आप कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, थीम्स जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ कर ली, ये ठीक है, ये थीम ठीक है, ठीक है ये वाली। अब क्रिएट ब्लॉग, जैसे ही मैंने क्रिएट ब्लॉग किया तो अब ये मेरा जो ब्लॉग था ये क्रिएट हो गया। ये देखिए, अब ये देखिए ये मैं यहाँ पे लिख के आ गया, इसको नो थैंक्स करना है और यहाँ पे साइड में लिख के आ गया। अब यहाँ पे व्यू ब्लॉग करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे तो ये देखिए ये आ गया लिख के हाउ टू पुट एड्स ऑन योर ब्लॉग पेज थ्रू पॉपअप एड्स प्लेटफॉर्म। अब इसके अंदर हमको कंटेंट डालने हैं बहुत सारे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे जाना पड़ेगा और न्यू पोस्ट में जो भी आप लिखेंगे सबसे पहले टाइटल देंगे, टाइटल क्या रहेगा आपका, तो आप टाइटल दीजिए जैसे कि इसी नाम से सर्च करेंगे लोग। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू पुट एड्स ऑन वेबसाइट टू अर्न द रिवेन्यू फ्रॉम पेज फ्रॉम ब्लॉग पेज, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया। अब आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, बोल्ड इटैलिक पिक्चर लिंक वीडियोस, ये सारी चीज़ आपको दी है यहाँ पे, आपसे यहाँ पे सारा चीज़ ऑप्शन से आपके गिवन है। जैसे मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो टेक्स्ट मान लीजिए यहाँ से मैंने लिखा कि यहाँ पे फॉर द एग्जांपल कि मैंने लिखा कि यहाँ पे कि अर्न द रेवेन्यू फ्रॉम द ब्लॉग पेज, ये मेरा हेडिंग यहाँ पे बना, ठीक है फॉर द एग्जांपल। तो मैंने इसको क्या किया, पहले इसको मिडिल में रख लिया, यहाँ पे लाके मिडिल में रख लिया। इसको मैं अब यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, नॉर्मल की जगह हेडिंग भी लगा सकता हूँ, ये देखिए हेडिंग हो गया। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। टेक्स्ट किस फॉर्म का होगा, लार्ज, मैंने लार्ज कर लिया और यहाँ पे मैंने कैपिटल कर लिया इसको, ठीक है आप ये देखिए। अब देन उसके बाद आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, पूरा कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ले लिया रेड, तो आप देखिए अब ये रेड दिखेगा और रेड की जगह मैंने यहाँ पे येलो लगा दिया बैकग्राउंड में, तो ये येलो हो गया, देख रहे हैं आप। तो ऐसे ही आप करके इसमें पूरा एडिटिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये आपको सर्च नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया अब जाके ये पब्लिश हो गया। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि अब ये कैसा दिखेगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पर कहूँ तो व्यू ब्लॉग में हम गए, अब व्यू ब्लॉग में जाएंगे तो ये देखिए पहला हमने सिर्फ हेडिंग में यही लिखा तो सिर्फ यही शो कर रहा, जैसे ही हम और भी कंटेंट लिखते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से बनाया जाता है ब्लॉग। अब ये आपका ब्लॉग का जो एड्रेस रहेगा वो ये है, आप किसी को भी इसको शेयर करेंगे तो आपको वहां से कोई ओपन करेगा तो सीधा आपका ये खुलेगा। तो पुट एड्स ऑन ब्लॉग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसको तैयार कर लिया, अब तैयार करने के बाद हमको क्या करना है इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। अब हम गए पॉप एड्स में और एड्स वेबसाइट का एडस्टेरा, ये आपकी इच्छा आप किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बल्कि मैं एक चीज़ और आपके लिए यहाँ पर रख दे रहा हूँ कि अगर आप, मैंने नीचे रेफरल में डाल दिया है वैसे एक तरह से कहा जाए तो एडस्टेरा के बारे में, बट अगर आप चाहें तो आप यहाँ इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं पॉप एड्स को, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप चाहें तो जो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ से ऐड होए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कि अब अगर हम एड्स को पुट करते हैं, क्या करते हैं एड्स को पुट करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, वेबसाइट अप्रूवल में डालनी पड़ती है, सबसे पहला काम अपना यही होता है। तो अगर मैं एड्स टेरा की बात करूं तो पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, जैसे कि वेबसाइट में अपन गए ये देखिए, और यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेबसाइट में जाने के बाद ऑप्शन पे कि यहाँ पे एक साइड में ग्रीन कलर की बटन दिखेगी, ये देखिए ऐड न्यू वेबसाइट। जैसे ही हम ऐड न्यू वेबसाइट में जाएंगे तो हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे, वेबसाइट का नाम कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जो पेज आपने ओपन किया उसके ऊपर ये देखिए ये लिंक है, इसी को कॉपी बस करना है सेम एड्रेस पुट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम को, और जाके क्या कर देना है इसमें पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, ये देखिए पेस्ट कर दिया हमने। अब उसके बाद वेबसाइट कैटेगरी, मतलब मेन स्ट्रीम है या एडल्ट है, मेन स्ट्रीम हमेशा लेना चाहिए, एडल्ट नहीं लेना चाहिए। एडल्ट मतलब ये होता है कि जैसे कि इसमें क्या चीज़ हो जाती है, सेक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हो जाती हैं, कुछ कंटेंट आ जाते हैं, तो ये क्या होता है हमारे मार्केट को तोड़ता है, ठीक है। तो हम सीधा मेन स्ट्रीम लेते हैं, मेन स्ट्रीम क्या होता है कि जो काम के एड्स हैं बेसिकली, ठीक है। सेकेंड चीज़,
ऐड यूनिट, आप किस तरह का इसमें एक तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं जैसे कि पॉप अंडर ले रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली तो मैं अभी तक 300-250 लेता था, बट अब पॉप अंडर ले रहा हूँ, क्योंकि 300-250 में क्या होता है कि इस साइज़ का आपका टेम्पलेट रहेगा, आप वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं, बट अभी आपको शो करने के लिए मैं 300x250 ले रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का आप यहाँ पे एड्स उसमें दिखाना चाहते हैं। तो इरोटिक एड्स, मतलब जैसे कि 18+ एड्स होते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हमने इसमें रेड कलर का टिक लगा है, अदरवाइज जो दिखाना चाहते हैं उसमें नहीं लगा है। तो अब उसके बाद ऐड कर सकते हैं, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये अप्रूविंग के लिए हो जाएगी, यहाँ पे शो करेगा कि इन पेंडिंग, यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा, और कुछ देर बाद एक घंटे आधे घंटे बाद ये पेंडिंग अप्रूव्ड हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऑल कोड्स दिया है, ऑल कोड्स में क्लिक करना है। जैसे आप ऑल कोड्स में क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको यही चीज़ दिख जाएगा कि आपने इस साइज का चूज किया था ऐड, और यहाँ पे गेट कोड है, गेट कोड में क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो आपको ये कोड मिल जाएगा। ये देखिए आपको ये कोड मिल जाएगा, इसी कोड को क्या करना है आपको कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी दबाकर। जैसे आप कॉपी कर लेते हैं इस कंट्रोल ऐड को कॉपी प्लस सी दबाकर, फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने ये बनाया, इस कंटेंट को आपने बना लिया, किसको ये आपने बनाया था, बट आप अपने मेन अकाउंट में जाइए, ये देखिए यहीं पे जहाँ से आप लोग किए थे, इसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे लेआउट का, लेआउट में हमको यहाँ पे गए। जैसे ही हम यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद हमको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेआउट में जाने के बाद आपको ये जो साइड बार राइट लिखा होता है जहाँ पे ऐड गैजेट्स होता है, हमेशा ऐड गैजेट्स में ही ये ऐड होगा और कहीं ऐड नहीं होगा। ऐड गैजेट्स में हमने क्लिक किया, जैसे ही ऐड गैजेट्स में हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे HTML JavaScript का ऑप्शन दिखेगा, इसमें ऐड करना है इसको। जैसे ही ऐड करेंगे आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस V मारिए इस पे, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कि ये ऐड है या क्या है, तो अब आई आपके ऊपर आप देना भी चाहे ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये खाली भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस नीचे वाले में आपको ये कोड को पेस्ट करना है, उसके बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। और जैसे ही सेव हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके उसमें किसमें आपके पेज में क्या दिखाई देगा आपको, आपको सीधा दिखाई देगा कि आप जो भी दिखा रहे हैं उसमें उसका ऐड शो कर रहा है, किसका, Adsterra का। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर Adsterra का आपको एड्स दिखने लगा तो ये समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट ओके हो गई, अब वो मतलब एड्स शो करने लगे, अब कोई भी विजिटर विजिट करेगा उस चीज़ को अगर देखता है तो वो चीज़ आपको दिखेगी क्लियरली, ठीक है। फॉर द एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो आपको, तो इसको दिखाऊँ तो व्यू अभी तो वो पेंडिंग, अभी तो मैं वेबसाइट ऐड ही नहीं किया हूं, तो पेंडिंग के लिए वो गई है, मगर आपको मैं एक दिखाता हूं अपनी पहली वाली जो कल बनाया था, ये देखिए ये शो कर रहा है, ठीक है। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मतलब ऐड दिखाना शो कर देगा, यहाँ यही भी एक तरह से यही आपका ऐड है, और इस जब इसमें कोई विजिट करेगा क्लिक करेगा तो उसमें आपको अर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड चीज़ में, पॉप एड्स में। पॉप एड्स में कैसे काम करते हैं, मैंने साइन इन किया यहाँ पे, सबसे पहले साइन इन करने के बाद मैंने डैशबोर्ड में किया, डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट में गया, वेबसाइट में जाने के बाद सेम वही एजेंडा है कि हमको क्या करना है यहाँ पे, तो न्यू वेबसाइट में गया, न्यू वेबसाइट में फिर से साइन इन किया मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा बैक हो गया था, कोई इशू नहीं। मैंने न्यू वेबसाइट में किया, न्यू वेबसाइट में साइट का नेम डालना है, साइट का नेम जैसे कि मैंने लिखा कि मेरे मतलब मैं कैसी साइट बनाना चाहता हूँ, तो मैं पॉप अप एड्स नाम दिया हूँ, ये है मेरी वेबसाइट का नाम फॉर द एग्जांपल के लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये देखिए जैसे कि मैंने लिखा हाउ टू पुट एड्स ऑन योर ब्लॉग पेज, तो हमारी वेबसाइट का नाम क्या हो गया, अर्न द रेवेन्यू फ्रॉम द ब्लॉग पेज, तो ये हमारा वेबसाइट का नाम है, तो कंट्रोल प्लस वी हमने दबा दिया, यहाँ पे सेट कर दिया। साइट यूआरएल हमेशा ये ऊपर दी रहती, साइट यूआरएल, ये देखिए हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी दबाया, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी दबाने के बाद हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस वी दबाया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हमको बताना पड़ता है कि हम किस लिए वेबसाइट को बनाए हैं, क्या पर्पस है इसका, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वी आर मेकिंग अ ब्लॉग विच टेल द यूजर दैट हाउ टू पुट एड्स इन योर ब्लॉग पेज फ्रॉम द पॉप फ्रॉम द पॉप एड्स प्लेटफॉर्म, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे
कैटेगरी, कैटेगरी किस तरह की होगी, तो कैटेगरी आप चूज़ करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है, कैटेगरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि कैटेगरी किसके लिए है, तो हम ज़्यादा देख पा रहे हैं यहाँ पे मतलब न्यूज़ है एक तरह का, या फिर एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा ढूंढना पड़ेगा कि आप किस तरह की जानकारी के लिए ये वेबसाइट को बनाए हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जनरली जो आपको लगे कि आपके टॉपिक से अगर कोई वेबसाइट मिल रही है तो आप उस बेस पे यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे देख तो रहे हैं काफ़ी सारी जो हमको अच्छी लगेगी, समझ में आएगा, हमारे कंटेंट से मैच होगी, हम उस पर क्या करेंगे यहाँ पे शो करेंगे, उस चीज़ को हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे हमको अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, मगर फिर भी हम एक बार और देखते हैं यहाँ पे फैमिली, एजुकेशन, डेटिंग, शेयरिंग, स्पोर्ट, गिफ्ट, क्लोथिंग, हेल्थ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समझाने की बात कर, एक तरह का ब्लॉग तरह का है वो। तो ब्लॉग के लिए बेस्ट क्या रहेगा, वो आपको यहाँ पे सर्च करना है, जनरल इंटरनेट या फिर वेबसाइट आप देख सकते हैं, वेब प्रमोशंस इंटरनेट, ये देखिए जनरल इंटरनेट वेब प्रमोशंस, ये ठीक है कि हम यहाँ पे किसी चीज़ को एक तरह से बता रहे हैं इंटरनेट के बारे में, प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद आप ये देखिए कि एड्स कौन कौन से लगाना चाहते हैं, एडल्ट कंटेंट्स एड्स आप मत लगाइएगा, क्योंकि अगर एडल्ट कंटेंट्स एड लगाते हैं तो आपकी ट्रैफिक कम हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा 18 प्लस कंटेंट रहते हैं, तो ये चिल्ड्रंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे ऐड वेबसाइट करते हैं, जैसे हम ऐड वेबसाइट करेंगे तो ये देखिए ऐड वेबसाइट के लिए ये वैलिडेटिंग में होने लगा, और वैलिडेटिंग में लगने का मतलब ये है कि आप पेंडिंग में रहेगा, ये देखिए ये पेंडिंग में, और ये आधे एक घंटे के अंदर आपका ये अप्रूव्ड हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगी गेट कोड, जैसे ही गेट कोड में आप क्लिक करेंगे तो आपको वो कोड मिलेगा जैसा मैंने आपको बताया था, और उस कोड को आपको पेस्ट करना है। बट अब ये वाले कोड को कहाँ पेस्ट करना है वो चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, वो आपको दो हेड के बीच में पेस्ट करना है, क्योंकि एडस्टेरा का तो हमने कहाँ पे पेस्ट किया आपको पता ही है, लेआउट में जाके, ठीक है। बट हमको उसको ऐड अप वाले को करने के लिए पॉप एड्स का कहाँ पे करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, एडिट एचटीएमएल करना है, थीम्स में जाके, साइड में जाके एडिट एचटीएमएल, और ये देखिए हेड दिख रहा है आपको, हेड जस्ट आपको यहाँ पे स्पेस देना है और यहीं पे आपको वो चीज़ पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको सेव की बटन दबाना है, सेव की बटन दबाना है। जैसे आप सेव के बटन दबाएंगे तो ये दिखेगा यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली। अपडेट सक्सेसफुली होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट रिफ्रेश करना है, और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एड्स दिखना चालू हो जाएगा। तो अभी हमारा कंटेंट पेंडिंग में है, जैसे ये पेंडिंग अप्रूव्ड हो जाता है तो हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने इस चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ को क्लियर किया, और एक चीज़ हम लास्ट में भी कवर कर रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे बैलेंस देखिए, यहाँ पे जो बैलेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको बिलिंग में जाना पड़ेगा, जैसे ही आप बिलिंग में जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे अभी आपके पास 0.04 डॉलर हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अपने को यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा रीच करना पड़ता है, एटलीस्ट $5 अगर आपके पास हो जाते हैं तो आप अपने पेपल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और पेपल अकाउंट से चाहे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लें, चाहे आप अपने खाते में रख लें। तो इस चीज़ के लिए एक बेस्ट तरीका है यहाँ पे, और जितने लोग विजिट करेंगे आपके कंटेंट में जितना बेहतरीन होगा वो आपको उतनी ही अर्निंग देगा। तो अब आपको इस चीज़ को समझ में आ गया होगा कि आपको करना कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ स्पेशल चीज़ कवर करूँगा जो कि आप गौर से देखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक चीज़ और, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा लें, उसको मतलब भूलें ना उसको दबाने के लिए, और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें। चलिए, धन्यवाद आपका।